तो यार दोस्तों, आप लोग बचपन में इस नाव को जरूर चलाए होंगे। मैं भी चलाया हूँ, आप भी चलाए होंगे। लेकिन उस समय इस जो नाव की गति थी वो पानी की धारा के ऊपर निर्भर करती थी। पानी की धारा जितनी तेज होती थी उतनी तेज अपनी नाव चलती थी। लेकिन आज हम इस नाव की गति को बढ़ाने वाले हैं, वो भी डिटॉल हैंड वॉश की मदद से। तो दोस्तों चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाते हैं। आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी नॉर्मल नाव, पहले इसकी गति को देखिए आप। पानी के धारा के ऊपर निर्भर कर रही है गति। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी दूसरी नाव। अब इस नाव के पीछे हम लगा देते हैं डिटॉल हैंड वॉश। उसके बाद इसकी गति को देखिएगा आप लोग। अब इसकी गति को देखिएगा आप लोग। देखिए पीछे पीछे जूम करके दिखा दो, पीछे कैसे रेस मार के आगे भाग भाग रहा है वो। फ्रेंड्स, इस बार ले रहे हैं हम दो नाव, और एक नाव के पीछे लगा देंगे डिटॉल और एक नाव के नॉर्मल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी नॉर्मल नाव और ये है डिटॉल वाला नाव। और इस नाव की पहचान के लिए इसमें डाल दे रहे हैं। थ्री टू वन गो। आप नाव की स्पीड को देखिए। दोनों नाव की स्पीड को देखिए, इसमें दिखा दो जो डाले थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी नॉर्मल नाव कहाँ है और डिटॉल वाली नाव कहाँ गई। दोनों नाव के साथ दिखा दो कितनी दूरी पर है। तो ये है हमारी नॉर्मल नाव, वो है अपना डिटॉल वाला नाव। तो फ्रेंड्स आइए अब हम आप लोग को बताते हैं ये वर्क कैसे कर रहा था। तो ये है हमारा डिटॉल हैंड वॉश। अब इस हैंड वॉश को पानी में डालेंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एकदम कचरा जो होगा ऊपर ऊपर वो साफ हो जाएगा। दूसरा कैमरा कर लेना, देखो दिखाई दिया। पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन पानी जो हैंडवाश डालते ही पानी का कचरा सारा भाग जा रहा है। दूर से कैमरा और दूर से फोकस करो। तो फ्रेंड्स, हम डिटॉल हैंडवाश को जैसे ही पानी में डाल रहे हैं, पानी की कचरा साइड होना चालू हो जा रहा है। यानी हम नाव के पीछे डिटॉल हैंडवाश को लगा दे रहे हैं तो नाव कचरे को ठेला, यानी नाव हल्की होने के कारण
नाव आगे भाग रही है तेजी के साथ। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।